मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना है और अगले 24 घंटे में इस दबाव के क्षेत्र को और भी बढ़ने की संभावना है, जिस कारण झारखंड में बादलों के समूह यानी कि क्लाउड बैंड मॉइस्चर फ्लो आएगा, जिसके प्रभाव से झारखंड में 20 सितंबर और 21 सितंबर को हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर चेतावनी की बात की जाए, 20 सितंबर को झारखंड में भारी बारिश की संभावना है। कोल्हान और संथाल में भारी बारिश देखने को मिलेगी। 20 तारीख को जैसे ही सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में छत्तीसगढ़ के आसपास में पहुंचेगा, तो जो पश्चिमी भाग है और उससे सटे हुए मध्य भाग में भी आपको एक आध जगह पे भारी बारिश देखने को मिलेगी। और बात करें तो गर्जन और वज्रपात इन दोनों दिनों में पूरे झारखंड में आपको देखने को मिल सकती है। और अभी तक जो बात करें मानसून की, तो अभी तक जो मानसून में जो वास्तविक वर्षापात है, एक्चुअल रेनफॉल है, वो 748 मिलीमीटर हुआ है, जबकि इस अवधि का जो सामान्य नॉर्मल रेनफॉल है वो 950.9 मिलीमीटर है। अभी जो विचलन है, डिपार्चर है, वो -21% है, -21% पर अभी चल रहा है। और जैसे ही ये अगले 2-3 दिन में बारिश हम लोग को देखने को मिलेगी, ये विचलन कम होगा और नॉर्मल के रेंज में पहुंच सकता है। और बारिश के संबंध में जो नॉर्मल होता है वो -19 से +19% के बीच में जो विचलन है डिपार्चर को हम लोग नॉर्मल के कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। तो न्यूज विंग के लिए रफी शामी की रिपोर्ट।